हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 8:30 बजे और मैं आ गई हूँ आज पशुओं को चराने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आसपास का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। और बारिश लग चुकी है, सुबह से ही मौसम ख़राब है, सुबह 4 बजे से, और बारीक बारीक बारिश भी लग चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी मौसम है। हैं समृद्धि और उसके पापा स्कूल जाते हुए। बाय, टेक केयर। क्या हुआ, क्या हुआ? बाय। टोपू क्यों नहीं लगाया तूने? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं डंगर चुगाने आई हूँ पशु को चुराने। मतलब जब मैं सुबह बैग पैक कर रही थी ना, डंगर चुगाने में आ रही थी जब मैं, तो मुझे एक मेमोरीज क्लिक हुई अपने माइंड में। क्योंकि शादी से पहले जब मैं डंगर चुगाने जाती थी ना, पशुओं को चराने के लिए जाती थी, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ ना, मुझे भी लगता है कभी कभी तो इसमें मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्लो स्लो बोलने की। तो मैं ना सुबह स्कूल जाने से पहले भी पशुओं को चराने जाती थी और स्कूल से आके भी पशुओं को चराने जाती थी, वापस आके भी दो टाइम चुगाती थी मैं पशुओं को। और मैंने ये काम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किया है, पर शादी के बाद नहीं किया है। शादी के बाद हार्डली 4 या 5 बार मैंने डंगर चुगाए हैं और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। तो जब मैं बैग पैक करी थी सुबह, तो मुझे याद आया कि स्कूल जाने से पहले जब मैं जाती थी ना जंगल में, तो सारा होमवर्क जो होता था स्कूल का या कोई टेस्ट है, तो वो सब जंगलों में ही मेरी प्रैक्टिस होती थी और रिवीजन होता था, होमवर्क भी। मतलब आजकल के बच्चों को तो हम स्पेशल टाइम देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको स्टडी करवाते हैं, है ना। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता था स्टडी का। बस अगर आप डंगर चुगा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, साथ साथ में आपको स्टडी करनी पड़ती थी। और तो आज भी मैं वैसे ही बैग पैक करके आई थी अपना। ये मेरा बैग है जो ख़राब हो चुका है, इसकी चेन टूट गई है दोनों जिप। तो इसमें मैं कुछ बुक्स वगैरह लाई हूँ और अम्ब्रेला भी लाई हूँ, क्योंकि बारिश लग रही है ना अभी, तो कम लगी। अगर ज़्यादा लगेगी तो ही मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। रोज़ रोज़ ना बच्चों के साथ घर में, बच्चों को भी मैनेज करो और घर के काम भी निपटाओ, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और जब हम घर से निकलते हैं ना बाहर, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग। तो आज मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मुझे करनी है पढ़ाई। ऐसा ना बारिश ज़्यादा लगेगी तो मैं नोट्स नहीं बना पाऊँगी ना। तो दोस्तों, मुझे आपके साथ एक और बात शेयर करनी थी। जैसे मैं भी अभी डंगर चुगा रही हूँ ना और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो मुझे ध्यान आया एक हिमाचली ब्लॉगर का, जिनको देखकर मैं इंस्पायर हुई थी ब्लॉगिंग करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर सकती काम, मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि गाँव में कितने काम होते हैं, छोटे बच्चों को भी हैंडल करना होता है, ऊपर से लोगों को भी फेस करना पड़ता है, जो आपको समझते हैं कि अगर आप बार बार फ़ोन निकाल के बस वीडियो बनाते रहते हो या फ़ोटो क्लिक्स करते रहते हो, आसपास के व्यूज़ कैप्चर करते हो, तो उनको लगता है कि इसको कोई काम तो है नहीं, बस यही काम आता है इसको। मतलब उनको ना काम चोर समझते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, या सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग, उनको गाँव में ऐसी परसेप्शन होती है कि वो लोग ज़्यादा काम धाम तो इनको कुछ होता नहीं उनसे, तो ये लोग फ़ोन में ही रहते चिपके। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने एग्ज़ाम्पल देना था हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा का, हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा ठाकुर है शायद उनका नाम, हाँ। तो उनका, उनके चैनल पर जाइएगा आप, तो वो बिल्कुल एक कुशल गृहिणी है। ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं करती है? उनको देख के मैं इंस्पायर हुई थी। तो मैंने उनकी फ़र्स्ट वीडियो देखी थी ना, तो वो गोबर फेंक रहे थे गौशाला के पास, और वो लेडीज घास भी काटती है, लकड़ी भी लाती है, गोबर भी फेंकती है, डंगर भी चुगाती है। तो उन्होंने एक व्लॉग में बताया था कि मैं जो एडिटिंग का काम है वो मैं डंगर चुगाते चुगाते करती हूँ। जब वो डंगर चुगाने जाती है ना जंगलों में, तो जंगलों में बैठ के वो एडिट करती है अपनी वीडियो। थोड़ी ज़्यादा लग गई है ना, बहुत मतलब बारीक बारीक से, थोड़ी गीली हो रही हूँ मैं, सिर भी गिला हो गया, सिर तो बेशक गिला, लेकिन फ़ोन गिला हो रहा था। तो मैं आ गई हूँ स्पाइन ट्री के नीचे, तो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या है ना, मैंने उनकी जब वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं जंगलों में ही पशुओं को चराते चराते, उनके पास बकरियाँ भी बहुत सारी, वो बकरियों का बिज़नेस करते हैं, बकरियाँ चुगाने का काम करते हैं, और गाय वगैरह सब कुछ है उनके पास, पर बकरियों बकरियाँ ज़्यादा पालते हैं वो। तो
तो उन्होंने बताया था कि मैं एडिटिंग का सारा काम जो है डंगरों में करती हूँ, डंगर चुपाते हैं क्योंकि घर में टाइम नहीं लगता है उनको, तो खेती बाड़ी भी करते हैं ना क्योंकि वो। तो उनके चैनल पर हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा ठाकुर, उनके चैनल पर है 7 या 8 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं और वो अच्छी अर्निंग भी करते हैं। तो वो बोले थे कि 1 या 2 महीने में वो जो है अपने $100 पूरे कर लेते हैं, 1 या 2 महीने बाद तो उनको मतलब इनकम आ जाती है यूट्यूब से। तो वो बोले थे कि जिसका मुझे बहुत आसरा लगता है, मतलब अपना चाहे हमें 1 रुपये कमाए तो काफ़ी खर्चे जो है मेरे यूट्यूब से निकलते हैं, वो ऐसे बता रहे थे। और वो लेडी ऐसी है ना, मतलब मेरी बाजू में दर्द हो गई है तो मैंने ना एक जो ये चील की ब्रांचेज है ना उसके ऊपर रख लिया अपना हाथ होल्ड करके। तो मैं सोच रही हूँ मैं पता नहीं कब जाऊँगी मार्केट, अब मैं ले ही लूँगी, क्या भला क्या बोलते उसको ट्राईपॉड, हाँ ले लूँगी, अब ट्राईपॉड लेके घूमा करूँगी सारे। हंसी भी आ रही मेरे को, पता नहीं सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करना में कोई बुराई नहीं है और कोशिश करना हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो सारे मेरे जो पशु जन हैं वो सारे गायब हो चुके हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा परे परे को ना। तो हमने उनकी बात करी थी कृष्णा, हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा की, तो एक कुशल गृहिणी है। उनको देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ फ़ोन में ही लगी रहती होगी या वीडियो बनाती रहती होगी, वो सारे काम करती है घर के। और ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉगिंग करने के लिए कोई अलग से अपनी टिप टॉप बन के रहती होगी, जैसे हम एज ए पर्सनैलिटी बात करें ना, अगर जैसे हम बिल्कुल घरेलू महिला होती है ना घर में रहते हम, जैसे सिंपल लिविंग। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मैंने देखी उनके अंदर, क्योंकि अगर वो भी वही सोच रखती ना यूट्यूब को लेकर या व्लॉगिंग को लेकर कि ये तो उनके काम होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है घर पे, या हम ये नहीं कर सकते, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है वो, पर फिर भी बहुत दम है उनमें। मैं ये बोलूँगी घर के सारे काम भी करो और ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया है उन्होंने जैसा भी है। तो उनको देख के मुझे मन हुआ था कि नहीं मैं भी करूँगी और मैं कर सकती हूँ, और मैंने स्टार्ट किया। तो आप लोग जरूर उनके चैनल पर जाइए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप देखोगे कि गांव की लेडीज़, अगर लेडीज़ चाहे गांव की चाहे शहरों की अगर उठान लें तो ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। पर गांव की लेडीज़ में होता है कि जैसे हम बैकग्राउंड में होता है ना हमारे आसपास, हमारी थिंकिंग वैसे ही बनने लगती है टाइम के साथ साथ, सोच मतलब। तो अपने माइंड को ब्रॉड माइंडेड बनाओ, दिमाग को खोलो, बाहर निकलो। और मैं समझती हूँ कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, गूगल है, वो आदमी ना कुछ भी सीख सकता है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है, अगर उसको नॉलेज नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मेरे को तो भाई यूट्यूब चलाना ही नहीं आता या वो चलाना नहीं आता, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप सब कुछ सीख सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। आई होप कि अगर आप उनके चैनल पर जाओगे तो आपकी भी वो इंस्पिरेशन बन सकती है और आपकी सोच भी बदलेगी, जो लोग ये सोचते हैं कि हम भेले लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको देख के पता लग जाएगा कि सारे काम जो हम करते हैं वही वो भी करती हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपना अर्निंग का एक साधन भी बनाया है जो कि सभी को बनाना चाहिए। आने वाला टाइम बहुत ख़राब है क्योंकि दोस्तों बारिश हो चुकी है बंद और टाइम हो गया है 10:30-11 बजने वाले हैं, लेकिन ना हवा बहुत तेज़ चल रही है और जिससे कि ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये स्कार्फ ऐसे बांध लिया है और मेरे सारे सारे पशु एक जगह एकत्रित हो गए हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत, ये भी मेरा फेवरेट प्लेस है, खुला आसमान हम देख सकते हैं। खोया खोया चांद खुला आसमान। दिन के बजे हैं 11:30 और मुझे पड़ गई है सुस्ती और मैं लेट गई हूँ, और जो मेरे पशु है वहीं हैं आसपास, मुझे आने लगी है नींद, थोड़ा कर लेते हैं रेस्ट, बकरियों ने मेरे को परेशान कर करके। तो अब चलते हैं घर की ओर, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को हिट करें,
ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों, बाय।